आज लोग कहते हैं कब्र वाले क्या देते हैं। इकबाल दस हो तू मुजद्दद साहब की कब्र से क्यों हाजिर होया जी? दस कब्र वाले कुछ दें दे के नहीं दें दे। जी जर्मनी का एक मजदूर सी नैटेशे, ओ ला इला तक पहुंचा तो बाद अल्लाह का मुनकर हो गया। अलामा इकबाल कलंदर लाहौरी नु बड़ा दुख सी यार, ओ ला इला तक तो पहुंचा अल्लाह तक क्यों ना पहुंचा। इकबाल कहंदा ऊ बला दरबान वता अल्लाह नरफ अज मकामे अब्दुहु बेगाना रफ। कहंदा मैनू बड़ा अफसोस है ओ ला तक ते पहुंचा अल्लाह तक ना पहुंचा। काश बूदे दर जमाने अहमदे तारसीद बर सुरूरे सरमदे। इकबाल कहंदा हाय हाय अफसोस ओ मुजद्दद अल फिसानी दे जमाने च होंदा ते मुजद्दद साहब ने ओदा हथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। ए इकबाल दा मौकफ उस वक्त तक सी जदों तक इकबाल मुजद्दद साहब की कबर ते हाजिर नहीं होया। जदों हाजिर होया फिर सुनो की कहंदा इकबाल। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगेबा, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबरदार। तवज्जो मैं गल बस आखिरी गल मैं मुकान लगा बस आखिरी गल तवज्जो। मैं क्या इकबाल उ शिरक हो रहे थी, कह लगा मैनू तो अल्लाह के अनवार तजल्ली याद नजर आए। मैं आखा कोई मुजद्दद साहब शायद दिती है कि कोई नहीं। सुनो जी इकबाल, ए इकबाल है जिसके सामने मैं हाजिर होया। इकबाल कहता जला मैनू की कुछ मिलया, पहले तो मेरा मौकफ सी कि मजदूब फरंगी को मैं दलायल तौहीद के नहीं समझा सकता था, लेकिन जब मुजद्दद साहब की कब्र से मैं बाहर आया तो इकबाल कहता छोड़ो यार गल ही हो रे, मैनू मुजद्दद साहब तौहीद दे असरार और रमूज दिते, अगर होता वो मजदूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकामे किबरिया क्या। कौन समझ आई? इकबाल कहता मैनू मुजद्दद साहब ने तौहीद दे असरार और रमूज इतने दिते कि मुजद्दद साहब के बहु वड्डे ना जो होंदा मजदूब फरंगी तो इकबाल उन्हें समझा देना सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों जी ये लखा मौजू हैं इकबाल दे लखा मौजू। फरियाद या फरंगो दिला वेजी अफरंग, फरियाद शीरीनी ओ परवेजी अफरंग, आलम हमा वीराना चंगेजी अफरंग, मैं मारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज। इकबाल कहता मैं यूरोप फिर के आया, वो जुलम ही जुलम है, कुफर ही कुफर है, नांग ही नांगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश ही शासन। कहता उठो मुसलिया बहुत सो चुका, अल खाबे गरां खाबे गरां खाबे गरां खाबे गरां खेज। कहता बहुत सो चुका, कहता शरा यूरोप बे नजाए कीलो काल, बर्रा करदास बर गुरगा हलाल। कहता मैं पूरा यूरोप फिरया, उन्होंने एक को मुत्तफ़क़ लाए फैसला कर लिया जिथे मुसलमान भेड़ मिले उन्हें खा जाओ। मैं कहा इकबाल अक़वामे मुत्तहिदा की होंदा? कहंदा दर जनेवा चीज गैर अज मकरो फन, सै तू ही मेशवा नखचीर मन। इकबाल कहंदा अक़वामे मुत्तहिदा की होंदा? सारे डाकू बह के फैसला कर दे, तू कश्मीर लप ले मैं इराक नप लेना, तू उस भेड़ नु खा जा मैं इस भेड़ नु खा जा। ऐ नादा तुरा उम्मीद गम गुसारा अफरंगस। इकबाल रो के कहने लगा जलिया और तेनू कदी यूरोप वाले कश्मीर वापस लैके देंगे, इराक वापस लैके देंगे और अफगानिस्तान वापस ले। ऐ नादा तुरा उम्मीद गम गुसारा अफरंगस। कहंदा तेनू उम्मीद है कि फरंगी कदे तेरे बाले चंगा सोचणगे ना, कदी भी दिले शाहीन सोजत बारे आ मुर्गे के दर चंगस। इकबाल कहंदा जलिया शाहीन दे पंजा जद परिंदा आ जाए ना ते ओदे चू चू करन ना कदी शाहीन दे दिल च सोजो गुदास कदनी पैदा। हां जद कुफर दे हाथ च मुसलमान आ जाए ओ रोवे, ओ इराक दियां बच्चियां चीखन, ओ बर्मा दियां बच्चियां दे जनाब ओ बाजू कट के ते ओ ना जनाब पिस्तान कट के ओ जनाब कबाब बना के खावन, या शाम दी बच्चियां दे सिर उठ जान ते डॉक्टरों को दवाई ना हो मिट्टी ला देन ते ओ बच्चियां फिर इंज रसदे मर जान, या मकबूजा कश्मीर दियां बच्चियां दरिया के किनारे खड़े होके आवाज लावन है कोई मुहम्मद बिन कासिम आण वाला, या मैं दरिया में छाल मार देवा हिंदू फौज आ रही। इकबाल कहता तू जला होया कदी भी फरंगिया को यहूदियों को ईसाइयों को जनाब नसरानिया को हिंदुओं को खैर की तवक्को न रखी। हाँ बस इको ही दरबार ही मुस्तफा मेरे साथ शराब के दी हमाओ। इकबाल सारे कलाम का खुलासा कढ़िया। इकबाल कहता ब मुस्तफा बिरसा खेशरा के दी हमाउस,
گربہ اونا رسیدی تمام بولا بیس. اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذات ہی. اتھے آ کے اقبال مک گیا, کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے, اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا, اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں. لبیک لبیک لبیک.